आज जो है हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखिंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में जो है संपन्न हुई है, क्योंकि इस कैबिनेट में बहुत सारे एजेंडे थे, लगभग 65 के करीब एजेंडे थे, और ये कैबिनेट की मीटिंग जो है वो लगभग कोई 6 घंटे के करीब जो है कैबिनेट की मीटिंग जो है चली है। सबसे पहला प्रस्ताव कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया गया है कि कल बिलासपुर में 2 वर्ष कांग्रेस की सरकार के पूर्ण होने पे जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी तादाद में हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग एकत्रित हुए, और जो हमारी अपेक्षा थी कि हमने कोई 25 से 30 हज़ार लोगों की अपेक्षा थी, और हमने बैठने की व्यवस्था लगभग 25 हज़ार लोगों की थी, मगर उससे कहीं ज़्यादा, उसे दुगनी तादाद में जो है लोग जो है वो ग्राउंड से बाहर रहे हैं। ये इस बात का भी सबूत है कि हिमाचल प्रदेश की जनता में, आम जनमानस में, इस सरकार के प्रति जो आशा और विश्वास है, और कल का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी की नीति, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम, और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व श्री सुखिंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है आस्था व्यक्त की है। पूरे मंत्रिमंडल ने, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी के कनिष्ठ एवं वरिष्ठ नेतागण, उनका दिल की गहराइयों से कैबिनेट ने जो है आभार व्यक्त किया है। बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट ने जो है लिए है, जिसमें जो है स्पेशल रिलीफ पैकेज जो हमारे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ था 2023 में, उसको कल मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया था, मगर इस साल भी बरसातों में कुछ क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें समेज का क्षेत्र रामपुर में है, जो जिला शिमला में पड़ता है, जौन बागीपुल है निर्मंड में कुल्लू जिले में, और टिक्कम कोट हंडी डिस्ट्रिक्ट में है, इन क्षेत्र में भी भारी नुकसान था। और यहाँ के लोगों की मांग थी कि 2023 के रिलीफ पैकेज के तहत जो है इनको भी इस पैकेज की जो है वो पैसे दिए जाए, इनको जो नुकसान हुआ, इनके मकानों को नुकसान जो हुआ है उसके एवज में 7 लाख रुपए प्रति घर मिलेगा। सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो है 26 कोर्स के अलग अलग कैटेगरी की जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृत की है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो है कैबिनेट ने 31 कोर्स के जो है 31 कोर्स के जो है पंजाबी टीचर्स और कैटेगरियों की जो है स्वीकृत की है। कैबिनेट ने एक और फैसला लिया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके ट्राइबल एरियाज में, हार्ड एरियाज में टीचरों का बहुत अभाव है, और विशेष करके जो साइंस के टीचर्स हैं वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री सुखिंदर सिंह सुक्खू जी ने निर्देश दिए थे कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो है गेस्ट टीचर के रूप में जो है रिक्रूटमेंट की जाए, उसके लिए विस्तृत रूप से जो है एक पॉलिसी जो है वो आज कैबिनेट में आई है, जिसकी कैबिनेट ने स्वीकृति की है, की जाएगी, आउटसोर्स के थ्रू की जाएगी। प्राइमरी स्कूलों में 200 रुपये पर पीरियड, अपर प्राइमरी में 250 रुपये पर पीरियड, सीनियर सेकेंडरी में 400 रुपये पर पीरियड, और कॉलेजेस में 500 रुपीज़ पर पीरियड के आधार पर जो है इनको, जो टीचर्स है, गेस्ट टीचर्स है, इनको रिक्रूट करके इनको सेवाएं ली जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो शिक्षा का गिरता हुआ स्तर है, और हिमाचल प्रदेश के हार्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज में जो है टीचर्स नहीं, जो रास्ता जो है साफ किया गया था, मगर देखने में आया कि पीजीटीज और डीपीज के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो है 5% का कोटा नहीं था। आज कैबिनेट ने पीजीटीज और डीपीज को भी इस डायरेक्ट 5% एलडीआर कोटे के माध्यम से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से इम्प्लीमेंट करने के लिए आज स्वीकृति प्रदान की है। आज कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लेते हुए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो डेली वेजेस पे जो है बहुत सारे पार्ट टाइम कर्मचारी लगे हुए थे, जिनकी सेवा काल 11 साल पूरी हो चुकी है, उनको नियमित करने की मांग की। आज कैबिनेट ने जितने भी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 11 साल की नौकरी जिनकी पूरी हो गई है, उनको रेगुलर करने का जो है फैसला आज जो है
कैबिनेट ने ले लिया है। इसके अलावा नर्सरी स्कूल्स में, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये तय किया गया है कि फर्स्ट क्लास में बच्चा जो है 6 साल से कम का उसके एडमिशन नहीं होगी, मगर क्योंकि बहुत सारे लोगों को नर्सरी में, अपर केजी में, लोअर केजी में उनकी वन टाइम रिलैक्सेशन, उनको जो 6 साल से कम है उनको रिलैक्सेशन देके ताकि उनके एडमिशन जो है नेक्स्ट क्लासेज में उनके एडमिशन हो सके। कैबिनेट ने आज क्योंकि कैबिनेट सब कमेटीज जो है वो होम स्टे के बारे में भी जो है वो पूर्व में कैबिनेट द्वारा बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई थी, उसकी आज रिपोर्ट जो है होम स्टे के लिए भी कैबिनेट में आज वो जो रिपोर्ट है वो सबमिट की गई है और कैबिनेट ने होम स्टे पॉलिसी 2024 को जो है वो आज स्वीकृति जो है प्रदान की गई है, जिसमें बहुत सारे प्रोविजन किए गए जो मैं विस्तृत रूप से उसमें डिटेल में जाऊँगा। अलग अलग कैटेगरी के जिनके 2 रूम्स हैं, 4 रूम्स हैं, 6 रूम्स है, उनके रजिस्ट्रेशन फीस है, उनका क्या प्रोसेस होगा, और फिर हमने वो कैटेगराइज भी किया है कि जो होम स्टेज अर्बन एरियाज में है और रूरल एरियाज में है उनको अलग अलग कैटेगरीज, जो पानी के बिल्स हैं, पानी का, बिजली का है, उनका उस तरह से हमने कैटेगराइज किया है। इसके रूप से वो एक अलग वो है। इसके अलावा जो है माननीय हमारे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनी थी जो हमारे हाइड्रल प्रोजेक्ट्स से, जो कि खास करके 25 मेगावाट से जो है कम थे, उनमें किस तरह से तेज़ी लाई जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 700 के करीब जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके हुए हैं या वो अलॉटेड है, जो जिनको अलॉट किया गया उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे अनअलॉटेड जो है, उसके लिए भी जगत सिंह नेगी जी ने, उनकी कमेटी ने रिकमेंडेशन जो है वो कैबिनेट को दी है और कैबिनेट ने वो रिकमेंडेशन जो है वो एक्सेप्ट करके उनको एक पॉलिसी के रूप में फ्रेम करने के लिए कैबिनेट ने हिदायत दी है ताकि हिमाचल प्रदेश के जो रिसोर्सेज है वो जनरेट हो, उसमें बढ़ावा है, क्योंकि पिछले 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हाइड्रल प्रोजेक्ट्स में जो है और पावर सेक्टर में जो है एक बिल्कुल ठहराव आ गया था और कोई भी नए प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं आए। हाइड्रल प्रोजेक्ट्स में तेज़ी आए इसलिए ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा आज कैबिनेट ने एक और फैसला किया है कि हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जिसमें हमारे नर्सिस है, पैरामेडिकल स्टाफ है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, इनकी बाइफर्केशन जो है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस और डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में इनको अलग अलग करने का आज फैसला लिया गया है। और जो एम्प्लॉइज़ है जो हेल्थ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट में रहना चाहते हैं या वो मेडिकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, वो उनकी ऑप्शन, उनसे ऑप्शन ली जाएगी और जो काडर है पैरामेडिकल स्टाफ का, नर्सिस का और क्लास 4 का, वो अलग अलग किया जाएगा। क्योंकि देखा ये जा रहा था कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे जो टीचर नर्सिस हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, वो समय समय पर मेडिकल कॉलेज से निकल कर आसपास की पीएससीज में और सीएससीज में चले जाते थे, उससे मेडिकल कॉलेजेस का जो है इनका जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता, ताकि हमारे मेडिकल सर्विसेज जो है वो हाई लेवल की हो और ड्यू टू वेरियस ट्रांसफर जो है वो इफेक्ट ना हो, इसलिए आज कैबिनेट ने जो है ये फैसला लिया है कि ये जो कैटेगरीज जिनका मैंने कहा है इनकी जो है अलग अलग जो है इनका कार्ड अलग अलग किया जाएगा। इसके अलावा जो है आज फैसला लिया गया है कि जो हमारे DMFT के रूल्स हैं, जिसकी अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है और स्टेट गवर्नमेंट्स को रेटिफिकेशन के लिए भेजा है, वो आज कैबिनेट ने भी DMFT मिनरल हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट रूल्स को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा कैबिनेट ने जो है एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 33 kV लाइन जो है वो थ्रो टू किलार जो है चंबा पांगी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है
वो स्वीकृति प्रदान की है जो 45 करोड़ रुपए के से सेंक्शन की जाएगी। और जो है क्योंकि हमारे डेवलपमेंटल वर्क जो हैं वो बहुत समय लेते थे, जैसे टेंडर की पब्लिकेशन है, टेंडर को अवार्ड करना है और इस तरह से, ये सारे को शॉर्टकट सेल शॉर्ट करने के लिए आज कैबिनेट ने इनके जो टाइम लिमिट्स हैं उसको जो है वो रिड्यूस कर दिया है। इन्होंने ऑनलाइन पब्लिकेशन का टाइम जो है 10 दिन से उसको 7 दिन पे कर दिया है। लेटर ऑफ सेंटेंस ऑफ टू बी इशूड बाय एई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको 20 दिन से रिड्यूस करके 12 दिन कर दिया है। और SC को जो लेटर एक्सेप्टेंस है, जो टेंडर्स के लेटर एक्सेप्टेंस है, उसका समय 27 दिन से घटा करके 17 दिन कर दिया गया है। और चीफ इंजीनियर की जो एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर है उसका टाइम रिड्यूस करके 30 दिन से 22 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी देखा गया था कि हमारे जो SCA की क्लियरेंस होती थी, FRA की क्लियरेंस होती थी, या आपदा के दौरान जो है जंगलों में या सड़कों के किनारे या शहरों में भी जो है जो पेड़ जो गिर जाते थे और फिर उसमें प्रोसेस होता था कि वो ऑक्शन जो है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ऑक्शन करता था और एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता था और वो पेड़ सड़ जाते थे या वो खतरा हो जाता था तो वो पेड़ रुकते नहीं थे। कैबिनेट ने जो आज फैसला किया है कि इस प्रकार के जो पेड़ हैं, इस तरह के जो पेड़ हैं वो 50 पेड़ तक की जो पावर है वो डीएफओ को जो दी 50 पेड़ की पावर जो है वो डीएफओ को दे दी गई है। और डीएफओ अपने लेवल पे जो है एक नॉर्मल टेंडर के प्रोसेस को अपना करके उस पेड़ों की ऑक्शन करके जो है वो कर सकता है, ताकि जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे स्कूल बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं, इनमें जो आते थे उनको उनकी फेलिंग करना, उनको जंगल से निकालना है बहुत बड़ा समय लगता था। अभी टाइम को बचाने के लिए सरकार ने ये कदम लिए उठाए। कैबिनेट ने जो है आज SDM ऑफिस, सब डिविजनल ऑफिस सुनी, जो ग्रामीण शिमला चुनाव क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे SDM ऑफिस खोलने की भी जो है वो स्वीकृति प्रदान की है। अलग अलग पोस्टें जो है वहाँ सब डिविजन में स्वीकृत की गई है। इसके अलावा जिला सिरमौर के कोटा पाब हलां में जो है वो PSC खोलने की कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। और ठौंठा जाखल उत्तरी और नया पंजोर में हेल्थ सब सेंटर जो है वो इस कैबिनेट ने आज स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा टिम्बी में जो है शिलाई चुनाव क्षेत्र के टिम्बी में जो है IPH का जो है रेस्ट हाउस खोलने की भी आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा सरचू में एक पुलिस स्टेशन जो है लाहौल स्पीति में सरचू में पुलिस स्टेशन खोलने की कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। और अलग अलग कैटेगरीज की पोस्टें इसमें सेंक्शन की गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने जो है जो तम्बाकू के हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी तम्बाकू के हमारे प्रोडक्ट हैं, गुटखा है या और चीज़ें हैं, इनका जो सर्टन गुड्स कैरिड बाय रोड टैक्स जो है इसको 4.5 रुपये प्रति किलो से बढ़ा करके 6.75 रुपये प्रति किलो किया है, ताकि ये डिस्करेज करने के लिए किया है कि तो इसका जो है लोग जो है कम से कम इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा कैबिनेट ने आज हमारे जो हमारे अर्बन एरिया के क्षेत्र हैं जहाँ पे अपग्रेडेशन जो करने पंचायत को अपग्रेड करके जो है 13 नगर पंचायत बनाई गई है, जिसमें नगर पंचायत संधूर डिस्ट्रिक्ट मंडी में, धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट मंडी में, बक्सर हमीरपुर ज़िले में, भोरंज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, बंगाना डिस्ट्रिक्ट ऊना में, उनिहार डिस्ट्रिक्ट सोलन में, बलद्वाड़ा डिस्ट्रिक्ट मंडी में, पनीकेत डिस्ट्रिक्ट चंबा में, कोटला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, नगरोटा सूर्या डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, कुंदैन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, स्वारघाट डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में और झंझूता डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, इन सब को नगर पंचायत बनाने की आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा हमारे जो ऊना है, ऊना जो है नगर काउंसिल थे, इसको नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। इसी तरह से बद्दी को भी जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाने की
स्वीकृति प्रदान की गई है कैबिनेट में, और हमारे हमीरपुर को भी जो है उसको कॉरपोरेशन बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा नदौन के जो नगर पंचायत है उसको म्यूनसिपल काउंसिल बनाने की कैबिनेट ने जो स्वीकृति प्रदान की गई है, क्योंकि इसकी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद इसको नोटिफाई किया गया था, और जो ऑब्जेक्शंस थे, कईयों के ऑब्जेक्शंस थे, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ एरियाज़ में एरियाज़ को ऐड भी किया गया है, कुछ एरियाज़ को डिलीट भी किया गया है, मगर आज कैबिनेट ने ये जो 13 नगर परिषद है और 4 हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनको स्वीकृति प्रदान कैबिनेट ने जो है की गई है। और हमारे और एक और कैबिनेट स्वीकृति प्रदान की है, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, इसको भी आज कैबिनेट ने है स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा तीन पोस्टें असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल ग्रेड 1 क्लास 1 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है आईपीएच विभाग में जो है वो कैबिनेट ने जो है सैंक्शन की है। कैबिनेट ने ये भी फैसला किया है कि कुछ जो हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं ग्रेविटी वाली स्कीम्स है, उनका जो रख रखाव जो है, उनकी जो मेंटेनेंस है वो पंचायतों को दी जाए, अलग अलग डिवीजनों में जो है उसको दी जाए। और कैबिनेट ने आज फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन उसका जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल था उसको 700 करोड़ रुपए से बढ़ा करके जो है 800 करोड़ रुपए किया गया है, ताकि उनको जो है लोन लेने और उनको काम करने में जो है उसका जो है फ़ायदा हो। इसके अलावा जो कैबिनेट ने आज एक और फैसला किया है, क्योंकि जो स्टेट अवार्डीज है, पहले तो स्टेट अवार्डीज फॉर टीचर जो दिया जाता था वो स्कूल्स में ही दिया जाता था, मगर मांग यही थी कि भी कॉलेजेस में भी इसको स्टार्ट किया जाए। उसके लिए SOPs जो गाइडलाइंस है वो आज कैबिनेट ने कॉलेज के जो टीचर्स हैं, कॉलेज काडर के जो लोग हैं, उनके लिए भी जो है आज स्वीकृति प्रदान की गई है। इनको 7 अवार्ड दिए जाएंगे और इनमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होगा, इनको सिर्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से जो है इनको ये अवार्ड दिए जाएंगे। यही फैसले जो है आज जो है कैबिनेट ने जो है किए हैं। और एक और है वो जो महिलाओं को जो है जो उनके आवास के लिए जो जैसे 1.5 लाख रुपए दिया जाता, विधवाओं को, एकल नारी को जो है वो 1.5 लाख रुपया प्रति मकान के लिए दिया जाए, उसको राशि को बढ़ा करके जो है वो 3 लाख रुपए जो है आज जो है कैबिनेट ने जो है किया है। ये कुछ फैसले थे गेस्ट स्पीकर रिक्रूटमेंट पॉलिसी, क्योंकि पहले भी ये सवाल था सीएम साहब ने, तब बोला था कि विस्तृत चर्चा होगी इस पर। इसके माध्यम से एक और सवाल ये था कि बैकडोर एंट्री के लिए भी जो अस्थाई इस तरह की नियुक्तियाँ रहती है, आरोप लगते रहते हैं, इससे कैसे मिटा होता है? ऐसा ना, ये हिमाचल प्रदेश में जो स्कूलों में, हेल्थ इंस्टीट्यूशन में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में खाली पद एक बहुत बड़ी समस्या है। ये अब से नहीं, पिछले कई वर्षों से ये चली आ रही है। हमारी सरकार ने 6,500 पद एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्वीकृत किए हैं और उसमें बहुत सारे पदों को भरा भी दिया है। मुख्यमंत्री जी, मंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी, हम मंत्री लोग जब भी हिमाचल प्रदेश के हार्ड एरियाज, ट्राइबल एरिया में जाते हैं तो ये मांग की जाती है कि हेल्थ इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भरे। सरकार की प्राथमिकता है कि बच्चों के जो शिक्षा का स्तर है वो ना गिरे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो एजुकेशन का लेवल था वो हिमाचल एट वंस अपॉन ए टाइम वाज नंबर 2 आफ्टर केरला इन इंडिया। आज हम जो है, हमारा जो 2 नंबर से घट के हम 22वें नंबर चले गए। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि सरकारी स्कूलों में जो टीचर की रिक्रूटमेंट ना होना, खाली पद रहना, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए जो है जो गेस्ट टीचर पॉलिसी जो है वो आज कैबिनेट ने स्वीकृत की है।
सर इसमें कोई भाई भतीजावाद या नहीं होगा, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रिक्रूटमेंट होगी और जो टीचर्स की रेगुलर टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए जो प्रोसेस होगा या जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी या उनके जो टेट जैसे टेट पास है फॉर JBT या TGT टेट है या सेट नेट जो कॉलेजेस में होगा उस लेवल की रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो ये शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट होगा, ये उनको जो सैलरी मिलेगी वो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड बेसिस के आधार पर, ये आउटसोर्स या आउटसोर्स के माध्यम से होगा, ये कोई डिपार्टमेंट के माध्यम से रिक्रूटमेंट या प्रिंसिपल के माध्यम से रिक्रूटमेंट नहीं होगी, ये आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगी और तब तक चलता रहा कंटिन्यू करेगा जब तक रेगुलर टीचर नहीं आएगा। लैंड सीलिंग एक्ट में हाँ, आज एक और इशू है जो मैं भूल गया कि लैंड सीलिंग एक्ट में आज जो कैबिनेट ने जो हमारे भोटा का हॉस्पिटल है हमीरपुर ज़िले में भोटा का हॉस्पिटल है उसको लैंड जो देने की ये विस्तृत रूप से कैबिनेट में आज एजेंडा आया और उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई है कि उसमें कोई फ्लॉस थे और इसलिए उसको जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको पूरे विस्तृत रूप से डिटेल्ड रूप में जो है जो उसमें अमेंडमेंट होनी है लैंड सीलिंग एक्ट में अमेंडमेंट होनी है उसमें आज कैबिनेट ने अपनी एक सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। भोटा वाले हॉस्पिटल के भी इशू चला उसमें सैद्धांतिक कैबिनेट ने की है मगर उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विस्तृत रूप से जो त्रुटि या पाई गई जो एजेंडे में आइटम्स थी उसमें फ्लॉज लगे मुख्यमंत्री जी को उन्होंने विस्तृत रूप से कहा कि दोबारा से इसको उसको कैबिनेट में लाया जाएगा या मुख्यमंत्री जी को कैबिनेट ने अधिकृत किया है कि कैबिनेट चीफ मिनिस्टर इज कॉम्पिटेंट टू अप्रूव द एजेंडा वो रिगार्डिंग दिस भोटा हॉस्पिटल। SMC के शिक्षकों का आपने जिक्र किया, कब तक वो रेगुलर हो जाए, उम्मीदें उनकी बढ़ गई अब इनका ना इनका एक कैबिनेट ने एक जो चैनल है वो प्रिस्क्राइब कर दिया है उनमें से मुझे लगता है प्रोसेस शुरू हो चुका है जैसे जैसे खाली पद होंगे या जैसे रेगुलर पोस्टिंग रेगुलर पोस्ट आएगी तो उसमें 5% कोटा है उस हज़ार पे सर विंटर सेशन है इसमें बिल्स कौन कौन से हैं उसको लेके कोई चर्चा हुई है क्या विधेयक बिल्स तो आज भी जो है कई बिल्स जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं और क्योंकि बिल्स के बारे में मैं यार मीडिया में नहीं बोल सकता क्योंकि बिल्स जो है वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है इट इज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट एंड लेड एंड इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्ट्री इन द कैबिनेट मगर ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे बिल्स जो है ये हमारे जो विंटर सेशन धर्मशाला में आ रहा है बहुत सारे बिल्स जो है इसमें आएंगे सर। इसके अतिरिक्त कैबिनेट के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बिल है जो यूनियन कैबिनेट ने आज पारित किया है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। देखो इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है वन नेशन वन इलेक्शन की। आपकी प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया मैं तो आज कैबिनेट की प्रतिक्रिया देने के लिए आया हूँ ना तो मैं प्रतिक्रिया दे दूंगा आपको। वो तो जो और पूरे देश में क्योंकि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है स्टेट्स को रेटिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा स्टेट्स के असेंबलीज में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और विस्तृत रूप से सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष द्वारा चर्चा की जाएगी अब उसको पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये तो एक समय ही बताएगा मगर अभी तो खैर मुझे लगता है ये ऐसा इशू नहीं है मगर जब स्टेट्स को दिया जाएगा और हिमाचल स्टेट असेंबली में आएगा तो उसके सारे प्रोज एंड कॉन चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और सदन का जो मत होगा उसके मुताबिक उसको उस पर जो भी डिसीजन होगा वो हो जाए। सर आज नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि जो सत्र है वो चलो अभी मेरा तो कैबिनेट वाला ऐसा इशू था ना जी कैबिनेट वाले